नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। कैथल से भाजपा विधायक लीलाराम गुर्जर ने खुले मन से एक समाज को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। लीलाराम ने गुर्जर धर्मशाला से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुर्जर को कोई नहीं छेड़ सकता, सिर्फ गुर्जर ही गुर्जर को छेड़ सकता है। इसके अलावा जो भी गुर्जर को छेड़ेगा वो मारा जाएगा। वही उनके संबोधन से पहले गाने चल रहे थे कि जो गुर्जर ने छेड़ेगा वो मारा जाएगा। इन्हीं गानों के शब्दों का सहारा लेते हुए विधायक लीलाराम ने अपने संबोधन में ये भड़काऊ बयान दिया। बता दें, सम्राट मिहिर भोज के नाम से गुर्जर समाज ने कैथल में एक चौक बनवाया है जिसमें सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे गुर्जर सम्राट लिखा गया है, तो इस पर राजपूत समाज के लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद 19 जुलाई को राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने बल प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। 20 जुलाई को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मूर्ति का अनावरण भी करना था, लेकिन समय से पहले ही विधायक ने अनावरण कर दिया। इसके बाद गुर्जर धर्मशाला कैथल में गुर्जर समाज का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कैथल के भाजपा विधायक लीलाराम गुर्जर शिरकत करने पहुंचे और अपने संबोधन की शुरुआत ही गुर्जर को कोई नहीं छेड़ सकता से की, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें, इससे पहले भी विधायक लीलाराम गुर्जर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। फिलहाल देखना होगा कि लीलाराम के इस भड़काऊ बयान पर दूसरा समाज क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।